यह 40 फीट यहाँ पे गाइस दर्शाया गया है। और गाइस इस तो हम आ चुके हैं अंदर गांधी मैदान के अंदर। और गाइस चलिए हम लेकर चलते हैं उधर में, तो गाइस देख सकते हैं नज़ारा किस तरह का है। देख सकते हैं यहाँ पे गांधी मैदान के बगल में गाइस यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है गाइस। चोरी चोरी दिल ते वीडियो तो दोस्त कैसा है, होप आप बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस जैसे मेरा टाइटल और थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा गाइस आज का वीडियो मेरा किस चीज़ पे है। तो गाइस मेरे पिछले वीडियो देखे थे कि मरीन ड्राइव का था पटना का। तो गाइस आज हम आ चुके हैं पटना गांधी मैदान, देख सकते हो वहाँ पे गेट नंबर 4 के पास। तो गाइस चलिए हम चलेंगे इसके अंदर में। और गाइस मेरे साथ संदीपना जो अभी उधर में गए हुए हैं। तो गाइस मेरे वीडियो में बने रहिएगा, चलिए हम आपको आज हम घुमाते हैं गांधी मैदान पटना का। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट बंद होने के कारण किस तरह से हम लोग बाउंड्री को उस पार जा रहे हैं गांधी मैदान में। तो चलिए यहाँ से हम भी पार होएंगे अभी। तो गाइस देखिए अंचल अभी ऊपर से आ रहा है फ्रंट के गेट, देखना चूभ न जाए। ओके गाइस तो हम आ चुके हैं अंदर गांधी मैदान के अंदर। और गाइस चलिए हम लेकर चलते हैं उधर में, तो गाइस देख सकते हैं नज़ारा किस तरह का है। और गाइस यहाँ पे देखिए कुछ शायद तैयारी चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं बांस किस तरह से यहाँ पे टेंट बनाया गया है। और गाइस अभी तो काफ़ी धूप है, लगभग अभी टाइम हो रहा है 11:05। और गाइस देख सकते हैं नज़ारा गांधी मैदान का अंदर का किस तरह का है। और गाइस यहाँ पे देखिए किस तरह से सजाया जा रहा है गांधी मैदान को, शायद कुछ है। और देख सकते हैं काफ़ी दूर में है, जो मेरा इस लोकेशन का वीडियो देख रहे होंगे गाइस उनको पता होगा, आप कमेंट कीजिएगा। और गाइस देख सकते हैं काफ़ी दूर में है। और वहाँ पे देख सकते हैं कि संदीप ना भी बैठे हुए हैं। और गाइस उधर में भी लोग बैठकर टाइम पास कर रहे हैं, एंजॉय छाँव में देख सकते हैं बनाया गया है उधर में। थोड़ा जूम करके दिखाते हैं गाइस उस साइड का व्यू। देख सकते हैं गाइस उस साइड से काफी दूर में बाउंड्री है। और गाइस मिडिल पॉइंट वहां पे है, जो काफी हम भी अभी दूर पे हैं। और देख सकते हैं ये रहा रनवे गांधी मैदान का। और वहाँ पे गाइस देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा भी बैठाया गया है। और गाइस काफ़ी धूप होने के कारण अभी तो फिलहाल कोई नहीं है यहाँ पे, शाम के टाइम में काफ़ी क्राउड रहता है। तो गाइस हम तो यहाँ पे शाम में रुकेंगे ही नहीं, हम लोग यहाँ से लगभग 1 बजे निकल जाएंगे घर के लिए। तो गाइस हम शाम का व्यू तो नहीं दिखा सकते हैं। और देख सकते हैं नज़ारा गाइस काफ़ी बड़ा बड़ा बिल्डिंग गांधी मैदान का बगल में। गाइस तो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी पेड़ है गाइस, जो अभी हम लोग चल रहे हैं उधर में। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है रनवे पैदल चलने के लिए।
और गाइस संदीप ना है ये, आप गाइस देख सकते हो किस तरह से लोग टाइम पास करते हैं। और गाइस काफ़ी गर्मी है, और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे गांधी मैदान के बगल में गाइस यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है। गाइस देख सकते हैं व्यू किस तरह का है, तो गाइस देख सकते हैं कि अभी हम पहुंचे हैं गांधी मैदान के गेट नंबर 5 के पास। तो गाइस ये ऐसा ऐसा गेट काफ़ी सारा है, उधर में भी है। तो गाइस देख सकते हैं नज़ारा किस तरह का है, और गाइस काफ़ी धूप है, आपको पता ही है पटना में कितना गर्मी गिर रहा है। तो गाइस अभी लगभग 44 डिग्री सेल्सियस फ़िलहाल है, तो गाइस समझ सकते हैं कितना गर्मी है। और गाइस चलिए अभी हम चलेंगे उधर में। गाइस देख सकते हैं कि अभी हम लोग उस साइड तरफ थे, और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा वाला पार्क बनाया गया है। सो गाइस अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है गर्मी के कारण, क्योंकि काफ़ी गर्मी है पटना में। और गाइस देख सकते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा प्रतिमा बनाया गया है गांधी जी का। तो गाइस चलिए अभी हम चलते हैं पास में। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर गाइस पार्क बनाया गया है, और देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। गाइस नाइट का व्यू काफ़ी खूबसूरत दिखता है, और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा गांधी जी का प्रतिमा बनाया गया है, इन्हीं का नाम से गाइस ये पार्क है गांधी मैदान, जो काफ़ी दूर है गाइस, काफ़ी दूर में। यहाँ पे बोर्ड लगाया गया चंपारण सत्याग्रह 1977 राष्ट्रपति महात्मा गांधी, ऐसा कुछ करके यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। गाइस इस मूर्ति का लंबाई है 40 फीट, यहाँ पे गाइस दर्शाया गया है। और गाइस इस मूर्तिकार का नाम है श्री राम वीर सुतार, देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल से है। ओके गाइस, तो इस ब्लॉग को हम करते हैं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस ये ब्लॉग अभी हम दिखा रहे थे पटना का गांधी मैदान, तो गाइस कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और गाइस मेरे चैनल पे जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।